7 मई 2024 यानी कि मंगलवार सुबह से ही सोशल मीडिया पर मेट गाला में पहुंची आलिया भट्ट की बेहद खूबसूरत तस्वीरें छाई हुई, जहां आलिया की शानदार हैंडक्राफ्टेड फ्लोरल साड़ी का जलवा लोगों की नजरों पर जादू कर रहा है। तो वहीं फैशन की दुनिया के इस इवेंट से और भी सेलेब्स के शानदार और अतरंगी आउटफिट्स लोगों के बीच जमकर वायरल हो रहे हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट की सीढ़ियों पर बिछे रेड कार्पेट पर पोज करने के लिए लगे सेलेब्स के इस मेले का किस्सा क्या है? ये है क्या और आखिर क्यों हर साल दुनिया भर के देश के पॉपुलर सेलिब्रिटीज इसमें हिस्सा लेने के लिए एक्साइटेड रहते हैं? तो देर किस बात की, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में मेट गाला से जुड़ी सारी डिटेल्स। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स। न्यूयॉर्क का मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, जिसे शॉर्ट में मेट भी कहा जाता है, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा म्यूजियम है। इस म्यूजियम का एक कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट है जो 1946 से पहले तक एक अलग ही इंस्टीट्यूट था जिसका नाम म्यूजियम ऑफ कॉस्ट्यूम आर्ट्स था। बाद में इस कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट को मेट में ही मर्ज कर दिया गया, लेकिन इसकी फंडिंग का जिम्मा इंस्टीट्यूट पर ही रहा। इसके पीछे एक लॉजिक ये था कि फैशन को आर्ट फॉर्म माना जाए या नहीं। मगर इस सवाल का दूसरा हिस्सा यह है कि हर दौर का फैशन या कॉस्ट्यूम अपने दौर की लिटरेचर, सोसाइटी और कभी कभी पॉलिटिक्स का भी एक रिफ्लेक्शन होता है। और इतिहासकार भी ये मानते हैं कि फैशन भी इंसानी सभ्यता के विकास को समझने की बहुत बड़ी कड़ी है। जैसे 1976 के द ग्लोरी ऑफ रशियन कॉस्ट्यूम थीम वाले मेट गाला में पीटर द ग्रेट के बूट्स और कैथरीन द ग्रेट की सिल्वर वेडिंग ड्रेस एग्जीबिशन का हिस्सा थे। ये दोनों चीज़ें फैशन ही नहीं, इतिहास का भी गहरा हिस्सा है। कई क्लासिक फिल्मों के आइकॉनिक आउटफिट्स भी इसका हिस्सा होते रहे हैं, जो डिज़ाइन के प्रोसेस और उसके आर्ट को समझने में काम आते हैं। इस इंस्टीट्यूट की खासियत को यूं समझा जा सकता है कि यहाँ पिछले 600 साल के 35,000 से ज़्यादा फैशन पीसेस को प्रिजर्व करके आर्काइव किया गया है। मेट गाला 2024 में ही कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट ने 50 से ज़्यादा एंटीक डिज़ाइंस डिस्प्ले पर रखे हैं। साथ ही 250 से ज़्यादा आउटफिट्स डिस्प्ले किए हैं, जिनमें से कईयों को साउंडस्केपिंग और डिजिटल एनिमेशन के जरिए रिक्रिएट किया गया है। बता दें कि ये कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट अपने रूटीन फंक्शनिंग, स्टाफ की सैलरी और शानदार एग्जीबिशंस का सारा खर्च खुद निकालता है, जिसके लिए ये ग्रैंड चैरिटी इवेंट होस्ट किया जाता है, जिसे हम मेट गाला के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ये इवेंट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मेट का कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट अपना खर्च खुद संभालने वाला डिपार्टमेंट तो है ही, ऊपर से अक्सर ये अपने रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा मेन म्यूजियम को भी देता है। क्या आपको पता है कि अजीबोगरीब लुक्स कैरी कर पहुंचने वाले इन सेलेब्स को मेट गाला का हिस्सा बनने के लिए कितनी कीमत चुकानी होती है? तो ज़्यादा वेट करवाए बिना आपको बताते हैं कि मेट गाला 2024 के एक टिकट की कीमत $75,000 यानी 62 लाख रुपए से ज़्यादा है, जबकि 10 सीट के एक टेबल का चार्ज $350,000 यानी 2,92,00,000 रुपए से ज़्यादा है। मेट गाला का पूरा सेटअप कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट की सिग्निफिकेंस को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया जाता है। ये फैशन की दुनिया का वो इवेंट है जहाँ फैशन का फर जानने वाले हर एक शख्स की नज़र है। यानी अगर आप एक फैशन डिज़ाइनर हैं या फैशन ब्रांड हैं और आपका डिज़ाइन या प्रोडक्ट मेट गाला के रेड कारपेट पर है, तो वो दुनिया की हर आंख तक पहुंच सकता है। इन टिकटों से आने वाला सारा पैसा मेट गाला को ही जाता है। इस पूरे खेल में सेलेब्स का रोल एक मॉडल की तरह है, इसलिए ज़्यादातर जिन सेलेब्स को आप मेट गाला में देखते हैं, उनके टिकट या टेबल किसी डिज़ाइनर्स ने स्पॉन्सर किए हैं। डिज़ाइनर टेबल खरीदते हैं और उस पर उन सेलेब्स को बैठाते हैं जिन्हें उन्होंने स्टाइल किया है। हालांकि कुछ सेलेब्स खुद भी अपनी टिकट खरीदते हैं, मगर इसका ये भी मतलब नहीं है कि 62 लाख रुपए देकर कोई भी इस इवेंट का हिस्सा बन सकता है। आपको बता दें कि वोग मैगजीन की एडिटर इन चीफ एना विंटोर 1999 से मेट गाला इवेंट की चेयरपर्सन है। इवेंट में किस सेलिब्रिटी, किस डिज़ाइनर को इन्वाइट किया जाना है, इसकी गेस्ट लिस्ट वो खुद तैयार करती हैं। गेस्ट लिस्ट बनाते समय ये पूरा ध्यान रखा जाता है कि आपस में डिस्प्यूट वाले सेलेब्स को दूर रखा जाए। किसे साथ बैठाना है, किसे नहीं, और किसे किस टेबल का हिस्सा नहीं बनाना है, कौन कहाँ बैठने वाला है, ये हर गेस्ट को पहुँचने पर ही पता चलता है। ये जानकर आप हैरान होंगे कि मेट गाला में कपल्स की सीट एक साथ नहीं रखी जाती। आखिर ये इवेंट फैशन में दिलचस्पी रखने वालों के बीच एक सोशल गैदरिंग है, कोई वेडिंग रिसेप्शन थोड़े ही। अब जानते हैं कि रेड कारपेट के बाद क्या होता है। पूरी दुनिया के लोगों को मेट गाला का रेड कारपेट इवेंट ही देखने को मिलता है, लेकिन अंदर क्या होता है ये किसी को पता नहीं चलता। अब जानते हैं क्यों। दरअसल अंदर स्ट्रिक्ट नो मोबाइल नो सेल्फी पॉलिसी है। रेड कारपेट के बाद सारे सेलेब्स को सबसे पहले मेट गाला एग्जीबिशन देखने का मौका मिलता है, जो आम जनता के लिए अगले दिन खुलता है। हर सेलिब्रिटी को इवेंट की तरफ से गाइड मिलते हैं और अगर वो एक्स्ट्रा टाइम किसी डिजाइनर के साथ बिताना चाहें तो उन्हें पूरा मौका मिलता है।
इसके बाद सेलिब्रिटीज अंदर जाते हैं और होस्ट के साथ कॉकटेल आवर में मीट एंड ग्रीट होता है, यानी गेट टुगेदर। बता दें कि 2024 में मेट गाला के होस्ट हैं हॉलीवुड एक्टर जेंडाया, जेनिफर लोपेज, क्रिस हेम्सवर्थ और सिंगर रैपर बैड बनी। कॉकटेल के बाद एक फॉर्मल डिनर का टाइम होता है जहां सेलिब्रिटीज पहले से रिजर्व सीट्स पर बैठते हैं और खाने के साथ साथ म्यूजिक परफॉर्मेंसेस का भी मजा लेते हैं। मेट गाला में हर साल किसी ग्लोबल आर्टिस्ट को परफॉर्मेंस करने की रिक्वेस्ट की जाती है। बीते सालों में रिहाना और एरियाना ग्रांडे जैसे आर्टिस्ट मेट गाला नाइट्स की क्लोजिंग परफॉर्मेंस देते आए हैं। और अब आती है मेट गाला की थीम की बात, जिसे हम अक्सर सेलेब्स के आउटफिट की थीम समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे अगर 2024 की थीम स्लीपिंग ब्यूटीज रीअवेकनिंग फैशन है, तो ये म्यूजियम के एग्जीबिशन की थीम है। सेलेब्स के स्टाइल के लिए थीम अलग होती है, जैसे इस बार सेलेब्स के लिए ड्रेस कोड है द गार्डन ऑफ टाइम। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये मेट गाला है क्या और क्यों यहाँ पर अजीबोगरीब कपड़े पहनकर डिजाइनर्स और उनके मॉडल्स बने सेलेब्स अक्सर पहुंचा करते हैं। आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।